नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रेलवे में 10वीं और 12वीं पास के लिए बम्पर मौके। जी हां, हम आपको बता दें, पिछले दिनों करीब 1.25 लाख से भी ज़्यादा पदों पर रिक्तियां घोषित करने वाली भारतीय रेलवे की तरफ से करीब 10,000 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। ये नियुक्तियाँ विभिन्न रेलवे डिवीज़न जैसे कि सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे और साउथ वेस्टर्न रेलवे में की जाएंगी। वहीं अतिरिक्त नोटिफिकेशंस के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार 9 जनवरी से पहले आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, इसका शुल्क 100 रुपये है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में अगर पद की बात करें तो 2,234 पद है। योग्यता की बात करें तो आप किसी भी मान्यता पूर्व शिक्षा बोर्ड से 50% अंक के साथ 10वीं पास की होगी आपने तो आप भर सकते हैं, और साथ ही ITI का आपके पास रिजल्ट हो। वहीं वेस्टर्न रेलवे की बात करें, कुल 5,718 पद हैं। वहीं उम्मीदवारों की मान्यता की बात करें तो 50% इसमें भी आपको चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की पद की बात करें तो 745 पद हैं, इसमें भी 50% अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो, साथ ही आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं साउथ वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो इसके लिए कुल पद 963 है। वहीं योग्यता की बात करें इसमें भी, तो आपके पास किसी भी शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास की हो, और आपको बता दें कि इसके लिए ITI भी होना जरूरी है। और भी ताज़ा खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।